फ्रेंड्स, सो मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी और आपका चलो रहने दो। वैसे साल में 6-6 पिक्चरें लाने वाले एक्टर अक्षय पाजी की मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू का ट्रेलर भी आ चुका है। मतलब भाई अभी इनकी पिछली रिलीज OMG 2 को ठीक से 2 महीने भी नहीं हुए हैं कि ये फिर से आ गए हमारी जेबों से माल खींचने। वैसे ये फिल्म मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू ये एक सर्वाइवल फिल्म है जो कि बेस्ड है 1989 के पश्चिमी बंगाल में हुए रानीगंज कोलफील्ड्स के कोलैप्स पर, जहां पर कि 65 मजदूरों की जान IIT धनबाद के खनन इंजीनियर जसवंत सिंह गिल ने अपनी बहादुरी के दम पर बचाई थी। तो ये पूरी फिल्म उसी घटना का फिक्शनल चित्रण है जिसे कि ड्रामेटिक मसाले के साथ हमको परोसा जाएगा। बाकी अब फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं टीनू सुरेश देसाई, जो कि अक्षय पाजी के साथ रुस्तम पहले ही बना चुके हैं, आपने तो देखी होगी। सो ट्रेलर में दिखाया गया है कि कुछ मजदूर नीचे माइन में काम कर रहे हैं और माइन में काम करते हुए किसी डैमेज की वजह से पूरी माइन में पानी ही पानी फैल जाता है और ये लोग वहां पर फंस जाते हैं। अब उन माइन में फंसे लोगों को निकालने के लिए कुछ लोग प्रोटेस्ट भी करते दिखाए गए हैं, क्योंकि शायद सिस्टम अपनी टांग पे टांग धर के उस टाइम पर समोसा चबा रहा है। सो इसी प्रोटेस्ट में हमारे अक्षय पाजी, जो कि रियल लाइफ हीरो जसवंत गिल जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो निकल कर आते हैं और उन माइन में फंसे लोगों को निकालने का जिम्मा अपने कंधे पर ले लेते हैं। अब आगे वो कैसे उन लोगों को निकालते हैं, उन्हें इन सब में कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं और वो उनसे कैसे डील करते हैं, ये सब हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगा, जहां एंड में वो खुद माइन में भी कूद पड़ते हैं। बाकी ट्रेलर में उस सिचुएशन की भी एक झलक है जब माइन में फंसे लोगों से कोई कनेक्शन नहीं है, उन्हें बचाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा और ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे में उन्हें इस काम को खत्म करके नीचे फंसी 65 जिंदगियों को बाहर निकालना है। ओवरऑल बहुत टेंशन वाला माहौल है जो कि हमें थिएटर्स में सीट के एज तक बांधे रखेगा। बाकी फिल्म में जसवंत गिल जी की प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी थोड़ी बहुत दिखाई जाएगी, लाइक उनकी फैमिली और उनका काम करने का तरीका, एंड जहां उनसे पूछने पर वो काफी कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देते हैं कि पहली बार इंडिया में होगा। नो सर, भारत में पहली बार होगा। So, इसके अलावा अक्षय बाजी सरदार जी के लुक में काफी बढ़िया लग रहे हैं, एकदम झकास। बाकी परिणीति चोपड़ा का इसमें उतना खास रोल नहीं होने वाला है, मेरे को तो ऐसे ही लगता है। ओवरऑल ट्रेलर मेरे को बढ़िया लगा, बैकग्राउंड म्यूजिक सीन्स में जान डाल रहा है और मेन लीड के साथ साथ बाकी कास्टिंग भी बढ़िया है। तो फिल्म 10 दिन बाद यानी कि 6 अक्टूबर को आ रही है। सो आपका इसको लेकर क्या प्लान है, क्या नीति है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। एंड बाकी ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब, बिकॉज भाई मैं अपना पिछवाड़ा घिस घिस कर ये वीडियोस बनाता हूं और रिस्पांस के नाम पर मेरे को सिर्फ टट्टी मिलती है, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करो भाई, मेरे को आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है।